दोस्तों अटवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मोबाइल कैमरे का तीन ऐसी कमाल की सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो अपने मोबाइल कैमरे से कर सकते हैं। दोस्तों अपने मोबाइल कैमरे से सिर्फ और सिर्फ सेल्फी और फोटो लेने के इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर तीन ऐसी कमाल की जो अपने मोबाइल कैमरे की मदद से कर सकते हैं, जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित करने वाला है। दोस्तों जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा पूरी लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा कि वो कौन सी ट्रिक है जो अपने मोबाइल कैमरे से कर सकते हैं। तो मैं कर लेता हूँ वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हैं होगा टोगा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अपने मोबाइल कैमरे से क्या कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल कि आप अपने मोबाइल कैमरे से चुटकी बजा करके आप हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैथ का जो हिसाब रहता है उसमें आप थोड़ा सा वीक है और आप चाहते हैं कि सॉल्व करना चाहते हैं चंद सेकेंड के अंदर, तो उस टाइम अपने मोबाइल कैमरे की सहारा ले सकते हैं। तो इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे दे दूंगा, आपको क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे अनेबल कर देना होगा, तो चलिए यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ। अनेबल करने के बाद यहाँ पे बैक कैमरा ओपन हो जाएगा। जैसे बैक कैमरा ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी सवाल होगा लेना होगा, आंसर लेना होगा तो यहाँ पे कुछ लिख लीजिए। तो यहाँ पे कुछ मैंने लिखा था और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे फोटो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे करेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर क्या होगा वो आपको बता देगा मोबाइल कैमरा, जो भी हिसाब रहेगा यहाँ पे करेक्ट देख करके आप लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक है जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरा ट्रिक की बात करूं जो अपने मोबाइल कैमरे से कर सकते हैं, जो बहुत ही कमाल की और प्लस आप सभी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और विजिटिंग कार्ड में दोस्तों ये जो नंबर है, जो ये नंबर देख रहे हैं, तो ये नंबर जो यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ विजिटिंग कार्ड पे, तो क्या इसी ऑनर का नाम है या किसी और ऑनर का नाम है तो कैसे पता लग सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है ट्रू कॉलर। तो इस ऐप का भी लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे में, आपको क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना होगा। थ्री लाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैक कैमरा ओपन हो जाएगा और जैसे बैक कैमरा ओपन होने के बाद यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा और जैसे डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे कोई भी नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पे आपको बता देगा इस ऑनर का नाम कि यह आपको बता देगा। तो ये सब आप कर सकते हैं अपने मोबाइल कैमरे से। उसके बाद दोस्तों मैं आपको तीसरा और लास्ट ट्रिक की बात करूं जो अपने मोबाइल कैमरे से कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा जिसका नाम है गूगल ट्रांसलेशन। तो ये एप्लीकेशन के बारे में सभी लोग पता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ लोग को नहीं पता होगा कि ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। तो जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल कि आप कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, कुछ ट्रैवल वगैरह करते हैं और कुछ ऐसे शहर में जाते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज होता है कभी चाइनीज भाषा में कभी इंग्लिश भाषा में। कि फॉर एग्जांपल आपको हिंदी आती है लेकिन उस जगह पे इंग्लिश में लिखा हुआ रहता है, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपका क्या करना होगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, इंग्लिश को चूज कर लीजिएगा। इंग्लिश को चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश का आपको चूज करने के बाद यहाँ पे कैमरे को ओपन कर लीजिए और जैसे कैमरे को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लेके जाना होगा कैमरे के ऊपर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सैंपल आपको क्या करना होगा, फोटो कैप्चर कर लेना होगा। तो यहाँ पे फोटो कैप्चर कर लेता हूँ, यहाँ पे हिंदी भी बन गया था तो यहाँ पे कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद यहाँ पे स्कैन हो रहा है, तो स्कैन थोड़ी देर होगा तो यहाँ पे होने दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे स्कैन करने के बाद जितनी भी सारी के सारी जो मैसेज था इस कार्ड के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश आपको नहीं आती है, तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट हो जाएगा हिंदी में। हिंदी में पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन का बेसिकली यही इस्तेमाल होते हैं जो शायद आप लोग को नहीं पता होता है। तो ये एप्लीकेशन की मदद से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उन जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको हिंदी या मराठी या गुजराती या आपको चाइनीज भाषा नहीं आती, तो इस एप्लीकेशन का उस टाइम आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही कमाल ये ट्रिक था मोबाइल कैमरे का, जो आप सभी के लिए उन डे टू डे लाइफ में इस कैमरे ट्रिक का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों बस यही था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को तो लाइक तो बनता है और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब और साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए भी ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।